इंदौर पुलिस द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रैगिंग मामले में छात्रों की धरपकड़ के लिए छात्रों का रूप धारण कर कॉलेज में 10 रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं, पुलिस उनसे बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र द्वारा पिछले दिनों कॉलेज प्रबंधन को रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र की शिकायत मिलने के बाद प्रबंधन द्वारा पूरे मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जुलाई माह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए स्वयं छात्रों के रूप में कॉलेज पहुंचे और बारीकी से जाँच पड़ताल की तो 10 छात्रों के नाम सामने आए। जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं उनमें मुख्य रूप से शैलेश शर्मा, शुभंकर, देवव्रत, राहुल, प्रियम, चेतन, गर्वित, ऋषभराज, प्रभात, कृपाशु जैसे वरिष्ठ छात्र शामिल हैं, जिनके द्वारा रैगिंग गैंग चलाई जा रही थी। तो वहीं जिनके नाम रैगिंग गैंग में सामने आए हैं उन पर आने वाले समय पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक द्वारा भी निलंबित करने की कार्यवाही की जा सकती है। फिलहाल सभी पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है। तो वहीं अन्य फरार छात्रों की तलाश भी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। ये जुलाई माह में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एंटी रैगिंग की जो साइट होती है, हेल्पलाइन होती है, उस पर यहाँ एमजीएम कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा कंप्लेंट की गई थी, जिसमें उनकी अपनी पहचान नहीं बताई थी। वो कंप्लेंट जब यहाँ डीन साहब के पास में आई थी, उनने एंटी रैगिंग कमेटी यहाँ को दिया था, उनमें चूँकि उसमें फरियादी और आरोपी किसी के नाम नहीं थे और ब्लाइंड टाइप का केस था, इसलिए उनने FIR उसमें करवाई थी अज्ञात के खिलाफ। पुलिस ने जितने स्टूडेंट थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की थी, अन्य साक्ष्य भी कलेक्ट करने का प्रयत्न किया था, परंतु उसमें कुछ ऐसी संहिता रहती है जिसमें फरियादी का नाम नहीं बताया जाता, इसलिए नाम नहीं पता चल पा रहा था। फिर पुलिस द्वारा परंपरागत पद्धति जो होती पुलिस की, उसके आधार पर पूछताछ की गई, गोपनीय रूप से जानकारी ली गई, तो उसमें करीब 11 लोगों के नाम आ चुके हैं अभी तक सामने, जिसमें से 10 लोग हम नोटिस तामील करवा चुके हैं उनके ऊपर और आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। बता दें, रैगिंग के कारण कई छात्र अपनी जान तक गंवा बैठे हैं, लेकिन रैगिंग का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है वह काफी सफल कार्रवाई मानी जा रही है, ताकि रैगिंग करने वाले छात्रों में भय का माहौल बना रहे। Oh,